नमस्कार अभिनंदन। कक्षा 6 की पुस्तक बसंत, पाठ 13। आज हम सब पढ़ेंगे कविता मैं सबसे छोटी हूँ, जिसे सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखा गया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं कविता। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। पढ़ते हुए भी एक चित्र सा सामने उपस्थित हो जाता है कि किस प्रकार कल्पना की गई है इस कविता में, और यह इच्छा की गई है कि माँ मैं सबसे छोटी हो जाना चाहती हूँ। आज बहुत बड़ी हो गई हूँ, लेकिन अब फिर इच्छा है कि मैं सबसे छोटी हूँ और छोटी होकर फिर से तेरी गोदी में सोऊं। अब माँ से क्योंकि दूर हो जाते हैं जब बड़े हो जाते हैं, तो यहाँ पर कल्पना की गई है कि जब मैं छोटी हो जाऊंगी तो माँ अपने पास मुझे सुलाएगी। तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर, और तेरा आंचल पकड़ कर मैं तेरे साथ साथ घूमती रहूं, और कभी भी तेरा हाथ ना छोड़ूं। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ। कितनी सुंदर कल्पना देखो यहाँ पर की गई है कि माँ जो है वो हमें बड़ा करती है, हमें पालती पोसती है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो पीछे से हमें चलती है। चलती मतलब धोखा देती है कि माँ तू हमें बड़ा बनाकर हमारे साथ धोखा करती है। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। और जिस प्रकार जब हम छोटे थे हमेशा हमारा हाथ पकड़कर चलती थी, उसी प्रकार हमारे बड़े होने पर दिन रात हमारा हाथ पकड़कर नहीं चलती है। अपने कर अपने हाथों से खिलाकर मुंह को धुलवाकर धूल पोंच सा जित कर गात, हमारे शरीर की धूल को पोंच कर हमारे गात, कहते हैं शरीर को सजाकर साफ करके हमें खिलौने थमाकर बिठा देती है। नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, यानी हमें खिलौने देकर छोड़ दे। जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ क्या करती है कि हमें खिलौने देकर बिठा देती है कि अब तुम खिलौनों से खेल लो, और हमें परियों की बातें नहीं बताती है। ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, कि ऐसी बड़ी मैं नहीं होना चाहती जिससे कि तेरे स्नेह से दूर हो जाऊं, तेरे प्रेम से दूर हो जाऊं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं, निष्प्रह निर्भय कहूं, दिखा दे चंद्रोदय, कि मैं तेरे आंचल की छाया में हमेशा रहना चाहती हूं, जहां मैं बिल्कुल निर्भय होकर तुझे कहूं कि माँ मुझे उगता हुआ यह चंद्रमा दिखा दे। और इसी सुंदर कल्पना के साथ लिखी गई इस कविता को पढ़ने में आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। धन्यवाद।